अगर आप लोग पिछले 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है वो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में मैसिवली ग्रो कर चुकी है। तो अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोग भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम्स के बारे में, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्कीम जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस चल रही है 136 रुपीज के आसपास। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न को देखेंगे तो 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 216% के रिटर्न जनरेट किए हैं, 3 साल में 138% की ग्रोथ दिखाई दी है। और अगर आप लोग 1 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 1 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड स्कीम के NAV की प्राइस 156% से ग्रो कर चुकी हैं। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स जो है वो मार्केट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो। अगर इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.61% का, जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 1.23% का। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को FD के साथ कंपेयर करेंगे या RD के साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यूएशन FD और RD के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लेकिन एक कंसर्न है जो आपको नोट करना है, और वो कंसर्न ये है कि HDFC स्मॉल कैप फंड में ऐसी कुछ कंपनीज के शेयर्स भी हैं जिन पर रेड फ्लैग्स हैं। और बाय द वे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 37.33 का, जहां पर इंडस्ट्री का ये रेशियो निकल कर आता है 43.47 का। शार्प रेशियो की बात की जाए तो शार्प रेशियो की वैल्यूएशन है 3.77 की, जहां पर कैटेगरी एवरेज निकल कर आता है 3.56 का। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के 1 ईयर CAGR रिटर्न और 3 ईयर CAGR रिटर्न अदर कंपनीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स का है, मतलब कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं होगा। 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की स्टेक को विड्रॉ करेंगे तो। और अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में। करंटली इस म्यूचुअल फंड स्कीम के NAV के एक यूनिट की प्राइस चल रही है 101 रुपीज की। अगर आप 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 5 ईयर में 269% के रिटर्न है, 3 साल में 118% के रिटर्न दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग 1 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 1 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 47% की ग्रोथ दिखाई दी है। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो रिटर्न है वो इस कैटेगरी के एवरेज के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी से कम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.53% का, वहीं पर कैटेगरी के एवरेज है 1.23% का। और RDFT के कंपैरिजन में तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स ज्यादा है ही। अब फोर्थ बेनिफिट ये है कि एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के स्कीम में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड फ्लैग्स हैं। इस कंपनी का PE रेशियो है 41.47 का, जहां पर कैटेगरी एवरेज निकल कर आता है 43.47 का। शार्प रेशियो की वैल्यूएशन है 3.59 की, जहां पर इसका एवरेज निकल कर आता है 3.56 का। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम के 1 साल के CAGR रिटर्न और 3 ईयर CAGR रिटर्न को देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, लेकिन HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है। यहाँ पर भी आपको ग्रोथ म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स का है और 1% का चार्ज है जो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। थर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस म्यूचुअल फंड स्कीम के NAV के एक यूनिट की प्राइस चल रही है 37.11 की, 5 ईयर में 275% की रिटर्न्स है, 3 ईयर्स में 142% की ग्रोथ है, और 1 साल में इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 47% की ग्रोथ दिखाई है। और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी देखेंगे तो इसके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है, कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का सबसे कम है 0.31 का, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज है 1.23% का। अब PE रेशियो की वैल्यूएशन देखी जाए तो PE रेशियो की वैल्यूएशन है 47.44 की, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज निकल कर आता है 43.47 की। शार्प रेशियो है 3.33 का और वहीं पर इंडस्ट्री एवरेज निकल कर आता है 3.56 का। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर रेड फ्लैग्स हैं। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 1 ईयर में और 3 ईयर्स में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाए हैं, लेकिन इस म्यूचुअल फंड स्कीम के कंपैरिजन में 2 कंपनीज और हैं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं, वो है एक्सिस और HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। यहां पर भी आपको ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना है, लॉक इन 0 ईयर्स का है और 1% का एग्जिट लोड भी
करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर फोर पर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। करंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब इस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस चल रही है 160 रुपीज के आसपास, और 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 310% से ग्रो कर चुकी है। 3 साल में 155% के रिटर्न दिखाई देते हैं और 1 साल में इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 61% के रिटर्न दिए हैं। अदर्स की तरह इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी के एवरेज से कम है। कैटेगरी का एवरेज है 1.23 का, वहीं पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का निकल कर आता है रेशियो वो है 0.73 का। पीबी रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का पीबी रेशियो 41 के आसपास का है, लेकिन कैटेगरी एवरेज है 43.47 का। शार्प रेशियो है 4.02 का, एवरेज निकल कर आता है 3.56 का। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का सफिशियंट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक बोनस प्लान है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और लेकिन अगर आप लोग विड्रॉ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम की एनएवी की प्राइस चल रही है 260 रुपीज की। अपने इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड की स्कीम 5 ईयर में 438% के रिटर्न जनरेट करके दे चुका है, 3 साल में 212% के रिटर्न है, 1 साल में 79% के रिटर्न है। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न को देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सेकंड चीज, अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो भी कम है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73% का। पीबी रेशियो की बात की जाए तो पीबी रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 40.70 की, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज है 43.47 की। शार्प रेशियो है 3.98 का, वहीं पर एवरेज निकल कर आता है 3.56 का। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न जनरेट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 1 ईयर में 79% की ग्रोथ दिखाई है, और 3 साल की बात की जाए तो 3 साल में 47% की CAGR ग्रोथ ऑब्जर्व करने को मिली है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करना है जहां पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होगा। अगर आप लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम से कम 5000 का करना पड़ेगा, और अगर आप लोग SIP के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम में से किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।